बात तो तुलसी को माई बोलते हैं, और तुलसी पत्ता में सबसे जो पावरफुल चीज है वो है पारा मरकुरी। जब भी कोई व्यक्ति तुलसी पत्ता को चबा के खाएगा तो देखा गया है उसका दांत गल जाता है। बहुत सारे रेगुलर प्रैक्टिशनर हुए तुलसी पत्ता को चबा के खाने के कारण दांत गल गए। तो तुलसी पत्ता चबा के नहीं खाना है, तुलसी पत्ता को निगल के खाना है। या तो पानी के साथ निगलो, या तो गुड़ के साथ निगलो, या तो मधु के साथ निगलो, लेकिन निगलना है दांत के साथ नहीं, उसका सैली भाग निकाल के नहीं। ये तुलसी पत्ता खाने का विधान है। बिना नहाए तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना, एकादशी द्वादशी में तुलसी पत्ता तोड़ना नहीं है, खाना नहीं है। अगर खाना भी है तो पहले से गिरा हुआ या पूजा पूर्वक ला के सुखाओ और फिर उसका सेवन कर सकते हो। क्लियर? बेलपत्र का भी वही नियम है। हाँ, सोमवार को नहीं तोड़ना है, बेलपत्ता नहा के तोड़ना है। जब भी बेलपत्ता आपको खाना है तो बेलपत्ता चबा के खाया जा सकता है, 3-7 पत्ता, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर खाया, कभी कभार बेल पत्ता में ज़्यादा कुछ मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है बोलते हैं, मैं आई डोंट नो, हो सकता है गलत भी हो, मेरे पास साइंटिफिक रिपोर्ट में उसके ऊपर अध्ययन नहीं किया, लेकिन बोलते हैं कि छाले पड़ने का चांसेस है अगर मात्रा डोज ओवर हो जाता है। और मेरा भी पड़ा हुआ है, मैं 2-3 बार ओवर डोज खाया था, तो इसलिए कम डोज में तो बेल का पत्ता बुरा नहीं है। सोमवार नहीं तोड़ा जा सकता है, शिव जी को पूजा करो। सोमवार सब बेल पत्ता नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले तोड़ के आप सोमवार शिव जी को चढ़ा सकते हैं। हाँ, वो एक दिन पहले तोड़ के लेना है, सोमवार को बेल पत्ता नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना चाहिए। कोई तोड़े अज्ञानता से, उसमें हम क्या कर सकते। एक दिन पहले तोड़ के रखो। बेल पत्ता तुलसी पत्ता बासी नहीं होता है, उसको आप कभी भी तोड़ के रख सकते हो और सूखा हुआ यूज भी कर सकते हो। ऐसा कोई विधान नहीं है कि जिस दिन का उस दिन ही तोड़ के दो। और देवता को चढ़ाया हुआ बेल पत्ता तुलसी पत्ता भी दोबारा धो के उनको चढ़ाया जा सकता है, तो वो बासी नहीं होता बेल पत्ता तुलसी पत्ता, इसलिए उसके बारे में आपको टेंशन नहीं होना है। एक दिन पहले का तोड़ो या दिया हुआ चीज उतारो। और मैं तो कहता हूँ, जो लोग शिव पूजा करते हैं, शिव मंदिर है, अगर वो सारे बेल पत्ता कलेक्शन करके रख सकें तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा। लाखों लोगों को बिना किसी दवाई में ठीक कर सकते हो, अगर शिव मंदिर का सारे बेल पत्ता कलेक्शन करके सुखा के पाउडर बना लो तो। सेम ऑफ मंदार फूल, मंदार मतलब गुड़हल, मंदार मतलब लाल मंदार, जो माता रानी के ऊपर चढ़ता है, डीप रेड फ्लावर। हिबिस्कस, हाँ, ब्लैक ब्लैक मंदर तो तब खास गुण नहीं, तंत्र का उपयोग ज्यादातर आता है। हाँ, होता है ब्लैक, होता है नील का, नीला होता है, नीला भी होता है। सर, गौमूत्र, अर्क और तुलसी।